अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रॉयल गार्डन में आप सबको वेलकम कहती हूँ। मेरा बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन, आज अपने गार्डन में से एक खूबसूरत से प्लांट पर बात करूँगी और इस प्लांट का नाम है जी ZZplant। जमिया के नाम से भी पुकारा जाता है लेकिन और भी इसके बहुत से नाम हैं। इसको शॉर्ट नेम में इसका निक नेम ZZplant के नाम से इसे ज़्यादातर लोग जानते हैं। ईजी ग्रो प्लांट है, कोई केयर नहीं, कोई प्रोपोगेशन में जल्दी नहीं होती क्योंकि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से ये ग्रो होता है। लेकिन व्यूवर्स, ये एवरग्रीन प्लांट है, पूरा साल हरा भरा रहता है। बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला ये प्लांट अपनी हालत काफ़ी अरसे तक इसी तरह बरकरार रखता है जब तक कि इसकी नई शाखें नहीं निकल आती, और साल में दो बार इसकी शाखें निकलती हैं और वो भी स्प्रिंग सीजन्स में। इसकी नई शाखें और नए पत्ते बिल्कुल उसी अंदाज से ग्रो होते हैं जिस तरह के कंगी पाम अपने सेंटर में से नई शाखें निकालता है, सेम ये भी अपनी शाखें उसी अंदाज से ग्रो करता है। चलिए जी, सबसे पहले इसके लिए हम सनलाइट की बात कर लेते हैं। तो इसे सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हमने इसे किसी पॉट में लगा रखा है तो उसे किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर उसे तेज़ रोशनी मिले, तेज़ धूप नहीं, यानी कि सेमी शेड में पॉट को रखेंगे क्योंकि इसे धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं। डायरेक्ट धूप में तो हम इसे लगा ही नहीं सकते, अगर लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। और अगर हमने इसे किसी ग्राउंड में लगा रखा है, ज़मीन में लगा रखा है या फिर गार्डन के किसी कॉर्नर में लगा रखा है तो ऐसी जगह पर इसके इर्द गिर्द किसी भी दरख्त का साया होना ज़रूरी है। छांव नहीं होगी, कोई साया नहीं होगा तो इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाएंगे और उनके अंदर से नमी ख़त्म हो जाएगी, वो अकड़ जाएंगे और ज़्यादा देर ये प्लांट वहाँ पर नहीं चल सकेगा। अगर दरख्त नहीं है इसके इर्द गिर्द तो हम इसके ऊपर ग्रीन शीट का इंतज़ाम करेंगे। दूसरी बात करते हैं जी वाटरिंग की। तो जी, इस प्लांट को ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर किसी पॉट में लगा रखा है तो उस पॉट में जो मिट्टी है वो इंतहाई पोरस नरम होनी चाहिए, जिसके अंदर पानी डालें तो वो फौरन तमाम गमले में से गुजरता हुआ इससे इसके नीचे वाले होल में से निकल जाए। अगर पानी इसके गमले में खड़ा रहेगा तो ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी जड़ें गल जाएंगी। और ऐसे प्लांट्स जिनको पानी बिल्कुल भी पसंद ना हो उनकी मिट्टी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अब फिर वही बात करेंगे कि अगर हमने इसे किसी गार्डन में लगाया हुआ है, ज़मीन में लगाया हुआ है, तो जब पानी देंगे बाकी प्लांट्स को तो इसकी तरफ कम पानी डालेंगे। इसकी मिट्टी का जो मीडिया है वो बहुत ही आसान है, यानी इसमें अगर हम रेत ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, अपने आप को बहुत ही हेल्दी रखेगा। आसान लफ्ज़ों में इस तरह बताना चाहूँगी कि इसका सॉइल मीडिया बिल्कुल कैक्टस के प्लांट्स की तरह का होना चाहिए। उसके लिए 50% हम अपने गार्डन की सॉइल लेंगे, 50% देंगे सैंड, और इसमें थोड़ी सी कोई भी खाद डाल सकते हैं, DAP के दाने डाल सकते हैं या फिर गोबर खाद थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं या फिर कंपोस्ट शामिल कर सकते हैं। इसी प्लांट की मिट्टी में हम कोकोपीट बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर पानी को होल्ड रखती है और इस तरह से इसकी जड़ें गल जाएंगी। इसके पत्ते बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मखमली होते हैं, यानी ज़्यादा खुरदरे नहीं होते जो कि हाथ लगाने पर हमें महसूस हों कि हमारे हाथ को तकलीफ़ दे रहे हों। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि हम इसे DAP एज अ फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हो और उनके ऊपर कोई फ्लावरिंग ना होती हो तो उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो काउडंग में नाइट्रोजन की भरपूर मकदार मौजूद होती है, तो हम इसे वो भी दे सकते हैं। ZZplant की प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है, इसके पास से ही बेबी प्लांट्स ग्रो होते हैं और हम उन्हें अलग करके नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, या फिर इसका एक लीव पानी में डाल के उसे रख देंगे और वह चंद दिनों तक अपने जड़ें निकाल लेगा, रूट्स निकाल लेगा, फिर हम उनको किसी पॉट में लगा देंगे तो इस तरह से हमारे पास नए प्लांट्स रेडी हो सकते हैं। पानी और धूप के अलावा इस प्लांट की जितनी भी केयर ना की जाए ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होता चला जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, अपने गार्डन में लाकर ज़रूर लगाइए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।